अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशहाल आबाद रखे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल बने हफीज़ वेद, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बार बार पहुँच सके। तुझे सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, उसी तुम्हारे प्यार की खातिर यूट्यूब चैनल पर आए हैं। ठीक है, तो मैं तो हूँ अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराने। ठीक है, सब तो पहले मेरी मिसिज है साजिदा परवीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे, शादोआबाद रखे। मिसेज नाल हूँ तुम्हारी मुलाकात हो गई है। ठीक है, हूँ मैं अपने बेटे को बुलाना। मेरे मेरे बेटे का नाम मोहम्मद जैनुल आबेदीन, ये मेरा बड़ा बेटा है जैनुल आबेदीन नाएगा। ठीक है, ये बड़े बेटे ना मेरा ताल्लुक हो गया जैनुल आबेदीन नाल। इस तो बाद मैं अपनी बड़ी बेटी को बुलाना अलीजा फातमा नू। ये मेरी बेटी अलीजा फातमा, बाद में अपने छोटे बेटे ने बुलाना, उसका नाम है जुलकरनैन। बेटा जी मोहम्मद जुलकरनैन ना है। ठीक है, यही है। ठीक है, सानू सब तो ज्यादा प्यारा लगता है, दो ढागे, बहुत शरारती है, बहुत रोंदा है। ऐसी जी साड़ी छोटी जी फैमिली, इस तो अलावा बाकी मेरे वाले साहब भी है, मेरी वालदा नहीं है, मेरे बैक की भैन भरा है, वो सारे अपने अपने घर च रहते हैं। असं इस टाइम आए हैं फतेहपुर अपने ससुराल, तो उस तो बाद जनाब असी बाकी भैन भरावान मिलावे, वो सारे गए अपने अपने कामों पर। जिमें वापसी आएंगे फिर तुम असं अपनी अगली वीडियो तुम मिलवावे वो की काम करते हैं। तो मैं जी अपने मेके आई सी, मेरी वालदा नहीं है, मेरे वालद भी नहीं है। मेरे वालद को तकरीबन 17-18 साल हो गए, मेरे वालद की डैथ हो चुकी है। बच्चों ने स्कूल तो छुट्टियां हुई सी, मैं अपने मेके आई हाँ। बच्चे कहते चलो नानकियां ने फिर के आना, मैं चलो चलते हैं। असं अपने मेके आए हुए, मैं अपने अच्छा मेरे तीन भाई है, तीन मेरिया भैन, वालदा मेरी नहीं है, वालद भी मेरा नहीं है। वालद मेरे 17-18 साल हो गए, मेरे वालद की डैथ हो चुकी है। वालदा मेरी तकरीबन 7-8 महीने हो गए, मेरी वालदा की भी डैथ हो चुकी है। साढ़ा वड्डा भाई है, वो साढ़े वालद की जगह पर है। सानू बहुत मेरे भैन भाई मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं उन्होंने तो बगैर रहती नहीं कुछ अरसा। मतलब मैं मुल्तान, मेरा घर वैसे मुल्तान है, मैं मुल्तान तकरीबन 3-4 माह तो बाद मैं अपने मेके चक्कर लगाती रहनी। कभी कभी मतलब 2 माह तो बाद भी चक्कर लग जाता वो, जो मतलब मेरा दिल करे मैं मुल्तान आ फतेहपुर आ जाती हूँ। मेरा घर वैसे मुल्तान आ, मेरे जो मेके वाले वो फतेहपुर रेंदे ने। मेरे नाल मेरे बच्चों नाल बहुत ज़्यादा मतलब, मेरे माँ बाप की डैथ हो चुकी है, मेरे वड्डा भाई ने सानू मेरे मेरा माँ बाप याद नहीं आन दिता। सानू बहुत ज़्यादा मुहब्बत करते मेरे भाई, मेरे तीन भाई है, तीन भाई माशाल्लाह मैंने बहुत मुहब्बत करते। सब तीन भैन अं तीन भाई, तीन भैन सू बहुत प्यार करते हैं। सू अपनी वालदा वालद याद नहीं आन दिता, लेकिन माँ बाप याद तो आता किनू नहीं आता, लेकिन मेरे भैन भाई ने मैं मतलब भी सू याद नहीं आन दिता भैन। साढ़े भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे ने। सारी फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा, उस तो बाद असी वापसी हो 2-3 दिन तक चलना वापसी मुल्तान। अपने घर की वीडियो तुम असं उत्थे जा के दिखावे, अपना घर भी तुम उत्थे जा के दिखावे, तुम असं अपने काम के बारे में उत्थे दसांगे। साड़ी शादी हुई तकरीबन 10 साल हो गए। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं, उस तो बाद सारा माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा निज़ाम चलता पे घर का भी। ठीक है, तो उस तो बाद जनाब बाजी तेन घर नहीं है, कोई नहीं, वो शाम जो समान गए। ठीक है, अगली वीडियो तो उन्होंने भी तारुफ करवावे, नाले सारे जिन्हें भी भैन भरा उन्होंने सारे ने उन्होंने देखे होना है। ठीक है, क्योंकि सारे एक दो भतीजे साढ़े ने भी चैनल बनाया हुआ है शाहदवीर, और वो सारे आए हुए हैं। तो ये मेरा ससुराल है, इतने असं रेंदे पे हैं। असं 2-3 दिन जिन्ने दिन भी असं फतेहपुर फैमिली आएगी, बाकी सारी फैमिली आएगी, असं अपनी फैमिली नाल भैन भाइयों को अगली वीडियो में अपनी फैमिली का तारुफ करवावे। ताकि असं हाले इतने ही 2-3 दिन तो बाद जो असं वापसी जावे मुल्तान, उस टाइम भी अपने भैन भाइयों को मिलवावे, असं अपना घर भी दिखावे। ठीक है, तो अपने बारे मजीद तुम उ जाके दसागे, तो उस तो बाद फिर शाम जिमें बाकी लोग आएंगे। ठीक है, वो मेरे वे साला जी भी है, उन्होंने बेगम भी है, उन्होंने तुम शान मिलवावे, नाल उन्होंने बच्चों भी तुम मिलवावे, तो उन्होंने तुम असं घर भी दिखावे। तो ये है जनाब, एक भाई मुल्तान ही रहा वैसे साढ़े नज़दीक, उन्होंने भी तुम जाके उ मुल्तान ही तारफ करवावे।
एक भाई मेरा होर इतने छोटा रहा उन्होंने भी तुम तारफ करवावे क्योंकि वह भी जरा बहर साइड के काम से गए हुए हैं। असि हम इतने बैठे हाँ नाश्ता नुश्ता असं काफ़ी देर का कर लिया ठीक है तो उस तो बाद हम अस बच्चों का असं हाल चाल पूछते हैं कि इन्होंने इतने फतेहपुर आ के किमें महसूस होता पे है। हाँ भाई रहन फतेहपुर आ के अच्छा लगता पे नहीं लगता पे है दिल लगे इतने नहीं लगे अच्छा कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं जोर से बोल के जरा थोड़ा हाँ भाई लीजा आप बताओ आप ठीक हो यहाँ पे आके खुश हो कोई परेशानी तो नहीं है आपको दिल लगा हुआ है वापसी कब जाने का प्रोग्राम है या इधर ही रहने अभी क्योंकि स्कूल से तो छुट्टियां हुई हुई हैं अच्छा इसको मतलब है अभी आप लोगों ने इधर रहना है चलो जी अच्छी बात है जितने दिन दिल करता है आप रहो इधर उसके बाद फिर जब यहाँ से दिल भर जाए फिर वापस आ जाना इनका दिल नहीं भरता ये तो जाने का नाम ही नहीं लेते यहाँ से प्यार जो मिलता है इनको हाँ ये तो है दिल तो हमेशा बच्चों को अपने नानकों के घर ही लगता है जाके हाँ दादके ने कहा इन्ना ना दिल ना रहेगा वैसे प्यार तो दादके भी बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उतने कम जाके रहेंगे उतने नहीं इन्ना जाके रहेंगे ना इतने आँ देते माशाल्लाह इन्ना नाल मेरे भी मासियां नाल मासियां के बच्चों नाल मामिया के बच्चों नाल मामियां मामियां नाल माशाल्लाह जिधर ज़्यादा प्यार मिलना बच्चों तो उधर ही लगन होंगी ना बच्चों ने इधरों प्यार मिलता वा बच्चे इतने ज़्यादा टिकी होंगे उधरों भी प्यार मिलता लेकिन उधर कम जाते हैं मतलब कम जाते हैं इधर मतलब फतेहपुर ज़्यादा आते हैं यानी कि मेरी वजह तो मैं तो वैसे अपने मेके जो मेरे दिल करता मैं आ जानी कि मैं अपने मेकर बिना रह नहीं सकती तो फिर इतने जो है ना बच्चे छोटे छोटे ज्यादा है ना इस वजह तो फिर इन्होंने बच्चों का भी दिल लगे रहता है इस तरह में फिर ता ज्यादा आते हैं खुश भी रहते उधर जो मेरे भतीजे पांच हैं ठीक है वो जरा ज्यादा उम्र हैं इस वास्ते इधर छोटे बच्चे हैं इस वास्ते इधर ज्यादा आते हैं फिर उन्होंने नाल बाद स्कूल भी चले जाते हैं जो उन्होंने स्कूल खुला हो छुट्टियां हो फिर उन्होंने स्कूल भी चले जाते हैं नहीं इतने बच्चे इतना खूब दिल लगता पे इन्होंने मतलब बड़े बड़े शहर छुट्टियां हुई अपने शहर भी छुट्टियां हुई इतने सीखते तो नहीं इतने बच्चे जाते स्कूल सरकारी उधर भी जाते दूसरे गांव भी जाते इधर भी जाते कुछ शहर है तो है मान लो बाकी स्कूल कोई नहीं हाँ जी बाकी स्कूल खुले ने जाते मेरे बच्चे इतने आए हैं माशाल्लाह वैसे भी पढ़ाई थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगन आ अपने भैन भाइयों दिखावे मेरे बच्चे कि मतलब भी पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे ने की कुछ मतलब भी किया वा की कुछ नहीं किया भी अपनी असी अगली वीडियो में मुल्तान जाके अपने भैन भाइयों दिखावे कि मैं ये तुम देखना ना भूलो इस तरह दिखाना नहीं भूलेंगे लेकिन साढ़े मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस मामले जहीन आ हाँ जी ये साड़ी अज की वीडियो ये मेरे भैन भाइयों अच्छी लगे पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट में जरूर सानू दस्यो सबसक्राइब करो बैल का बटन जरूर प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो मेरे भैन भाइयों तक टाइम तक पहुँच सके देखना ना भूलो सानू वीडियो दिखाना नहीं भूलेंगे सानू दो इजाजत अल्लाह हाफिज़।